अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि या पता अपडेट करना चाहते हो तो सिंपल सा प्रोसेस, आप अपने मोबाइल फोन में घर बैठे ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आधार सेंटर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल में घर बैठे ही अपडेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे किस प्रकार से अपडेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ आपको सर्च बार पे लिख के सर्च करना है UIDAI। तो इतना सा लिख के आपको सर्च कर लेना। उसके बाद में आपके सामने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपडेट आधार। तो सिंपल सा आपको इसमें एक ऑप्शन और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने माई आधार लॉगिन वाला ऑप्शन इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से आधार एंटर और कैप्चर कोड वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें एक OTP भेजा जाएगा। तो आपको सिंपल सा OTP को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। माई आधार पे लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड की प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार PVC कार्ड ऑर्डर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपडेट आधार ऑनलाइन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। सिंपल से आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो आपको अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करना चाहते हो तो आपको नाम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हो आपको जेंडर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हो तो सिंपल से आपको एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में प्रोसीड टू माई आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके आधार कार्ड में जो पुराना एड्रेस वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आपको अपना जो पुराना आधार कार्ड एक बार यहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपडेट एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो आपको जो भी अपडेट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना या आपको सेलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट आपको अपना जो एड्रेस है वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको एंटर कर लेना। और एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप डिजी लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो आपको डिजी लॉकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको मैनुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाता है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। तो सिंपल सा आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लगाना चाहते हो वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये राशन कार्ड वाला ऑप्शन हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपका जहाँ पर भी राशन कार्ड हो वो आपको सिलेक्ट करके इसमें अपलोड कर लेना। इस प्रकार से हम यहाँ से राशन कार्ड इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा राशन कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो कंप्लीट डिटेल वो एक बार यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आपको अपनी डिटेल चेक कर लेना है और आपकी जो डिटेल है वो आपको एंटर कर लेना। तो मैंने यहाँ कंप्लीट अपनी डिटेल चेक कर लिया। उसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके जो एड्रेस अपडेट वाला प्रीव्यू आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। एक बार आपको अपना जो एड्रेस है वो एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद में सिंपल सा यहाँ आपको दो येलो वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, आपको इनको क्लिक कर लेना। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको ₹50 का पेमेंट ऑनलाइन करना होता है। यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको मे के पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे
पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाता था। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे आपके सामने वापस से इस प्रकार से माय आधार वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता था। सिंपल सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको आपने जो आधार अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस शो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस प्रकार से देख सकते हो कि आपका जो आधार अपडेट है वो वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाउनलोड स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो अपडेट वाले स्लिप है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है 2 या 3 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो आप वापस से यहीं पे आके अपना जो माय आधार है उसमें लॉगिन करके आप पता कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर। तो इस प्रकार से जो है आप अपने आधार कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप जानकारी आपको पसंद आए होगी। अगर जानकारी पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे नॉलेजफुल और अपडेटफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।